बोलिए सर। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की जयंती निमित्त मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तमाम उत्तर भारतीय एकता मंच के बैनर पर विशेष करके अशोक तिवारी जी, वेद प्रकाश जी, अनिल उपाध्याय जी या तमाम सूरज दुबे जैसे लोगों ने यह कार्यक्रम का नियोजन किया। ये संदेश है कि अब शिवसेना और उत्तर भारतीय के बीच का अंतर लगभग लगभग खत्म हो चुका है। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि शिवसेना जैसे दल और राष्ट्रीय समीकरण में तीन उत्तर भारतीयों को ले लेना, चाहे गुलाब दुबे हों, चाहे विनय शुक्ला जी हों और चाहे अखिलेश तिवारी जी हों, ये बहुत बड़ा सम्मान है उत्तर भारतीयों के लिए। निश्चित तौर पर आने वाले कल में एक उत्तर भारतीयों का एक बहाव शिवसेना की तरफ होगा। और इसके पहले भी शिवसेना ने कमान नहीं किया उत्तर भारतीयों को, चाहे घनश्याम दुबे जी को विधानसभा जाना रहा हो, संजय निरूपम को राज्यसभा जाना रहा हो, चंद्रिका केनिया का राज्यसभा जाना रहा हो, कन्हैयालाल गिडवानी का राज्यसभा जाना हो, ऐसे 13 अमराठी समाज के लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट माननीय बालासाहेब ठाकरे जी ने राज्यसभा से लेकर के विधानसभा तक भेजा। इस बात का ये इतिहास गवाही देता है कि शिवसेना के नज़दीक पर प्रांतीय हमेशा दूरी कभी नहीं रहा, हमेशा नज़दीक रहा, अब और ज़्यादा नज़दीक बनने की स्थिति बन चुकी है। इस तरीके से आपने अभी तक 13 लोगों के नाम गिनाए, वो हालांकि क्या ऐसा वजह निकला किस वजह से पार्टी छोड़कर के दूसरी पक्षों में चले गए? हो सकता है कि शिवसेना के परंपरागत हर व्यक्ति को, हर अगले को मौका मिलना चाहिए। उस परंपरा पर पार्टी उनको नहीं समझ में आए होगी, अपने निजी स्वार्थ के खातिर वो अपना रास्ता बदल दिए होंगे, लेकिन पक्ष और संगठन ने तो साबित कर दिखा दिया। राज्यसभा सदस्य भेजना, विधानसभा सदस्य भेजना एक कम बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप मानते हैं जो 13 लोग यहाँ से जो बाहर गए दूसरे पक्ष में गए अपने निजी स्वार्थ के लिए गए? हाँ, मेरा बिल्कुल मानना है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए।